आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे एक डिब्बी सिंदूर के साथ साथ तीन लौंग और आपको आप कर पाएंगे अपने पति को हमेशा के लिए अपने वश में। वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे एक डिब्बी सिंदूर के साथ साथ तीन लौंग और आपको आप कर पाएंगे अपने पति को हमेशा के लिए अपने वश में। जी हाँ, एक ऐसा उपाय जो आपको तुरंत असर देगा। और इसमें आपको बस करना क्या है कि आपको तीन लौंग लेनी है। इस तरह से आप तीन लौंग ले लीजिए और उसके बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान उपाय है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप अपने सामने सिंदूर की डब्बी को रख लीजिए और साथ में आपको चाहिए होंगी तीन लौंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर तीन लौंग ली है और तीनों लौंग आपको इस तरह से लेनी है, जिनके ऊपर इस तरह से ये फूल लगा हुआ होना चाहिए, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह की लौंग आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है कि लौंग को पहले सिद्ध करना है। तो आपको एक मंत्र को 1100 बार जाप करना है और लौंग को सिद्ध कर लेना है। इस मंत्र से लौंग सिद्ध हो जाती है। अब आपको इसे संभाल कर रख लेना है। लौंग रखने के बाद पहला जो कार्य करना है लौंग को सिद्ध करने का, वो आपको आप किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो अगला काम आपको करना है, वो आपको सिंदूर के साथ करना है। उसमें क्या होगा कि जब आपकी लौंग सिद्ध हो चुकी है, तो आपको उसके बाद मंत्र का उच्चारण सिर्फ 11 बार करना है और उसके बाद आपको इसे संभाल कर रख देना है। दूसरे शुक्रवार पर आपको इस तरह से इसको 11 बार पढ़कर और फिर रख देना है। इसके बाद आते हैं, अब हम तीसरे शुक्रवार की बात करते हैं। तीसरे शुक्रवार को फिर आपको ये लौंग सिद्ध करनी है और उसके बाद आपको उस व्यक्ति के खाने में इसको मिलाना है जिसे आप हमेशा के लिए वश में करना चाहते हैं। इससे वो व्यक्ति आपके वश में होगा। और उसके बाद अगला कार्य जो करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगला कार्य आपको जो मैं आज बताने वाली हूँ, ये रुद्र मोहिनी मंत्र है, जो कि बहुत ही जल्दी काम करता है। पति को रिझाना हो या पति को मनाना हो, या फिर आप चाहते हैं आपका रूठा हुआ प्यार आपके जीवन में वापस आ जाए। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आप सिंदूर का उपयोग अपने पति को रिझाने के लिए, मनाने के लिए कर सकती हैं। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अपने प्रेमी को मनाना चाहती हैं, तो उसके लिए भी आपको बताती हूँ मैं क्या उपाय करना है। आपको सिंदूर की डब्बी खरीदनी है। आपके घर में आप पूजा में जो इस्तेमाल करती हैं, आप वो सिंदूर भी ले सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने लिए सिंदूर खरीदते समय एक डिब्बी खरीद लें। अब आपको लौंग को अभिमंत्रित करना है तीन शुक्रवार तक, और उसके बाद इसका पाउडर बनाकर आपको अपने पति को खिला देना है। अगर आप पाउडर नहीं भी बनाती हैं, आप उनको ऐसे भी खिला सकती हैं, पर खाने की चीज़ में आपको मिलाकर उन्हें खिलाना है। ऐसा ना हो कि वो उसे निकाल कर फेंक दें। तो अगर आप पाउडर बनाकर खिला देंगी तो निकालने वाले चांसेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि जब भी आप शुक्रवार को मंत्र पढ़ रही होंगी लौंग के ऊपर, तो आपको सिंदूर की जो डिब्बी है वो अपने सामने रखनी है। जी हाँ, सिंदूर को भी आपको साथ में अपने हाथ में रखना है और आपको ये मंत्र बोलना है, ओम तत् भार्व नमो नमः। ओम तत् भार्व नमो नमः। ओम अमुक सिद्धो नमो स्वाहा। यहाँ पर आपको अमुक की जगह पर अपने पति का नाम बोलना है। आप मंत्र को एक बार फिर से सुन लीजिए। मंत्र है, ओम तत् भार्व नमो नमः। दूसरी लाइन है, मैं अमुक सिद्धो नमो स्वाहा। अमुक की जगह पर पति का नाम बोलिए। और ये आपको करना है तीन शुक्रवार, ये उपाय आपको करना है। उसके बाद आपकी सिंदूर जो है वो अभिमंत्रित हो चुका होगा और लौंग भी अभिमंत्रित हो चुकी होगी। सिंदूर अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आपको अपनी मांग में लगाना है और अपने पति के सामने जाना है। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपको इसका टीका अपने प्रेमी के माथे पर लगाना होगा। और आप देखेंगी कि कुछ ही दिनों में आपके जो प्रेमी हैं वो आपके जीवन में वापस आ जाएंगे, आपकी हर बात मानने लग जाएंगे और आपके पति जो हैं आपके वश में होंगे। इस तरह से आप सिंदूर का उपयोग करके अपने पति को वश में कर सकती हैं। इसके अलावा याद रखें कि जब भी अगर आपके पति घर पर नहीं है, तो आप अपने पति की एक ऐसी तस्वीर ले सकती हैं जो कि आपको देखते हुए होनी चाहिए, और जब भी आप मांग भरें तो आप तस्वीर के सामने खड़े होकर अपनी मांग भरें।
एक सप्ताह तक आप इस टोटके को आजमाएं, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। आपके पति आपके जीवन में इस तरह से आएंगे, इस तरह से रहेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। अगर आपके झगड़े होते हैं, किसी भी तरह को लेकर कलेश होता है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इस उपाय को कीजिए। बहुत सारे भक्तों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है, तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई और समस्या हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पर हमसे पूछ सकते हैं समस्या का समाधान। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भक्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।